एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। अचानक एक तेज लहर आती है और उसके चप्पल को वहां से बहा के ले जाती है। अब ये बच्चा रोते रोते उस रेत पर लिखता है, समुंदर चोर है। उसी समुंदर के एक दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरे बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाते हैं। मछुआरा उसी रेत पर लिखता है, ये समुंदर मेरा पालनहारा है, क्योंकि इसी के बदौलत आज मेरा जीवन चल रहा है। उसी समुंदर के एक दूसरे किनारे पर एक युवक डूबकर मर जाता है। और वहां पर उसकी मां रोते रोते अपने उंगलियों से लिखती है, ये समुंदर हत्यारा है। उसी समुंदर के दूसरे किनारे पर एक इंसान टहल रहा था। और उसकी नजर एक सीप पर पड़ती है। उस सीप में से उसे एक अनमोल मोती मिलता है। वो कहता है, ये समुंदर महादानी है, आज मेरे इस जरूरत की घड़ी पर इस समुंदर ने मुझे एक इतना मूल्यवान मोती दिया। अब ये सारी बातें उस रेत पर लिखी हुई थी और अचानक एक समुंदर से बड़ी सी लहर आती है और रेत पे ये जो सब कुछ लिखा हुआ था उसे मिटा कर ले जाती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग चाहे जो कहे समुंदर के बारे में, समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मर्जी से अपने उफान लाता है और फिर अपने मर्जी से शांत हो जाता है। वो अपनी चाल ढाल अपने तरीके से चलता है। वो किसी दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं होता। तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा, उस समुंदर की तरह बनिए जो अपने निर्णय किसी दूसरे के ऊपर कभी भी आधारित नहीं करता है। जो भी करना हो वो स्वयं अपने हिसाब से करता है। जो गुजर गया उसकी वो कभी भी चिंता नहीं करता। अगर ये जिंदगी सुख शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय कभी रोता ही नहीं। जन्म के समय रोना और मर के रुलाना, इसके बीच के संघर्ष के समय को जिंदगी कहते हैं।